अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। ए रज्जो, ये देखना मेक्सिकन डिश, कभी बना के खिला दे यार। का नाम है जाको? केसो दियो। हाँ? सो दियो? कब दियो? इसमें लिखा है मेक्सिकन डिश है ये, केसो दियो। इसमें ना वो तोतिया होता है, तोतिया। तोतिया का होता है? तोते को बनता है तोतियो? छी। अरे अम्मा, जो आप सोच रही है ना वो नहीं, तोतिया स्पेनिश रोटी। क्या जरूरत है स्पेनिश रोटी बनाने की? है हमें तो भारत की रोटी अच्छी लगती है भैया। आसान हुआ इंडिया की रोटी। हाँ। लल्ला। अरे पापा, पापा, अरे पापा, अरे खुश लो, खुश लो, बैठो बैठो पापा। अरे अरे आराम से। समझी जी, राम राम, बड़े दिनों के बाद चक्कर लगो। हाँ हाँ बस। पापा क्या बात है, कछु टेंशन है का? हाँ बिल्कुल ठीक नहीं बेटा, एक मुसीबत हो गई है। कैसी मुसीबत? अरे क्या बताऊँ, अपना वो कानपुर में जो कमरा है ना, जो किराए पे चढ़ाए थे। आओ आओ, जॉन के पति के दो दो बीबी एक साथ रहती हैं बे। हाँ बेटा, तो मैं गया और जाके बोला कि भैया कमरा खाली कर दो, बहुत दिन हो गया। तो पता है उसने कमरा खाली करने से मना कर दिया लल्ला। अरे पापा कहे खाली करवाए रहे, अच्छा खासा पैसा आ रहा हुआ, तुम खाली रहन दे ना। अरे पैसे ही जीवन में सब कुछ नहीं है बेटा, सुख शांति नाम की भी कोई चीज होती है। चौसंदन जी। नहीं नहीं, सही कह रहे हो आप, लेकिन हमें एक बात समझ ना आ रही कि जहाँ दो बीबियाँ रहेंगी उधर सुख शांति कैसे होगी? नहीं है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो नहीं, और आज की बात है, दोनों बीबियाँ आपस में वो झगड़ने लग गए, एक दूसरे के ऊपर वो बर्तन फेंक रहे थे, एक ने तो कुकर फेंक के मार दिया। कौन को? बाप रे, कोई बचा या टेबल गया? अरे कहाँ बेटा, सुखड़ा सा उसका हस्बैंड है ना, वो बीच में आ गया, कुकर जाके उसके सर पे पड़ा, उसका सर फटा और वहीं वो गिर गया, बेहोश हो गया। वो देख के मैं घबरा गया बेचारा। बताओ बेचारा हस्बैंड डबल एंटरटेनमेंट के चक्कर में जख्मी हो गया। अब लल्ला क्या बताऊ, रोज की झगड़ा लड़ाई और गंदी गंदी गालियां सुन के ना मैं परेशान हो गया, और आज का हादसा, वो बेहोश हो गया था, वो देख के तो मैं एकदम घबरा गया। मैं गया, मैंने उसको कहा कि भाई ये सब नहीं चलेगा, अब भी कभी जो है कमरा खाली करो। तो और लल्ला उसकी वो खूबसूरत सी वो छोटी बीबी, वो पता है क्या बोलती है, हाय मुझे छेड़ा, हाय मुझे छेड़ा, हाय मुझे छेड़ा। अरे वो छेड़ने का इल्जाम लगा रही है जबकि मैंने छेड़ा नहीं। अरे पापा तुम बेकार को टेंशन ले रहे हो, तुमने छेड़ो का, जब छेड़ो ही नहीं है तो फिर क्या टेंशन ले रही हो? वही तो बेटा, लेकिन उसने वो पुलिस कंप्लेन लिखवाने की धमकी दी है और ये सुन के मेरा बीपी बढ़ गया, मैं तो घबरा गया। देखो लल्ला, मैं इस बुढ़ापे में ना जेल जाना नहीं चाहता। आप जो है दमान जी को बोल के ये केस जो है रभा दभा कर बस। टेंशन ना ले, इत्मीनान रखो, सांस ले, कछु नहीं हुई है, तुम्हारे दामाद आई है, हम उनसे बात कर लिए, तब तक तुम इतने ही रहो घर में, ठीक है? का खाइयो बताओ? पकोड़े खिला दो। ऐसे तो मोरे हमें काय घूर रहे? तुम जे बताओ कि तुमने ऐसो काय करो है, तुम्हारे बच्चा है को और के बच्चा है जे? जो तुमने फिर से फालतू को सवाल करूं? नहीं, हमें एक बात बता, तू अपने बच्चन से प्यार ना करता है? अरे दमाद जी, ये क्या हो रहा है, अपने बच्चों के भविष्य पर कालिक पुंदी? हाय, एक तो हमसे जब बात करूं करो ना तनक ऊंचे स्वर में, नहीं उसी बात हमने का लिखना पोती, जिसारे खुद ही का लिख पोत रही उल्टे हमारे मुंह पे। अच्छा इनने का कर दो, वह गलती तुमने करी है, ठीक है, एक साल तुमने बर्बाद कर दो, अब इल्जाम हमारे मासूम बच्चे पे लगाए रही है। मासूम है? शक्ले देखो इनकी गौर से, जी सारे मासूम है, जी बदमाश है। अरे अपने बच्चन के बारे में क्या बकवास कर रहा हुआ है तू? ऐसा है अम्मा जी, स्कूल में कक्षा में बैठ के कौन रॉकेट नहीं बना रहे थे, फर्रा बना रहे थे सारे, पूछो। नकल कर रहे, फर्रा बन रहे, जी में अच्छे से पास हो जाए सारे, ढंग के नंबर आ जाए, कैसे याद तो सारन के गुंजा कछु नहीं। तू बकवास कर ही जा रहा हुआ, अब ये तो उम्र में ऐसी छोटी छोटी बातें हो ही जाती हैं, अपने दिन भूल गए तू। छोटी छोटी बातें आगे चल के फिर बड़ी बड़ी बातें बन जाती। आज जब हम जो पर्ची बनाएंगे तभी तो बड़े होके रॉकेट बनाएंगे, धीरे धीरे तो तरक्की होगी। सुन रही तुम? अच्छा तू बकवास ना कर,
ना खुद तू सच्चाई ईमानदारी के रास्ते पे निकल गयो, अच्छो करो, पर जाको मतलब जे ना है कि तू अपने बच्चों का भविष्य खराब कर दे, मतलब एक साल बर्बाद कर देगा अपने बच्चों का। एक बात बताओ अम्मा, तुम्हारी खुशी के लाने हमने दादा परदादा जाके लाने, हमने सच्चाई को मार के चुनो, ईमानदारी को न्योछावर खानो बंद कर दो, कानून के नियमों को पालन कर रहे हैं। अब सब सारू पालन कर रहे हैं तो तुम लोगों को मिर्चा लग रही है, काय लग रही भैया, सही कर रहे ना, तुम्हारी गर्दन में बांस कर रहती ना, हमने यही से अपने खानदान को नाम ऊंचू करने के लाने जो मार्ग चुनो, और जो मार्ग से हमें अब को हटा नहीं सकते। मम्मी पापा ने पकड़वा के ना आज ये साबित कर दिया कि हम उनके बच्चे नहीं है। ए भगवान, कोई रास्ता दिखाओ प्लीज, कोई रास्ता दिखाओ प्लीज। बेटा चमचे तुम चुप करो, बेटा हमने जो करो बहुत सही करो, तुम बड़े होकर समझोगे कि बाप ने जो करो बहुत अच्छो करो। बताओ अम्मा, बच्चा अगर गलत रास्ते पे जाएंगे तो बाप ही समझाएगो ना कि भटकने देगो, गलत रास्ता पे भटकने देगा ने। एक सेकेंड ससुर जी आओ, एक बढ़िया तगड़ू तगड़ू बनाते हैं, अभी हमारी खुपड़िया भन्ना रही है। हाँ चिंता ना करो। अरे लल्ला, वो दमान जी को वो बात बता दी ना। हाँ हम जो कह रहे थे कि पापा के संग एक गंभीर समस्या हो गई है। कबाल तोड़ोगे? अरे ना ना, पूरी बात तो सुन ले। वो किराएदार हैं जो जॉन की दो दो बीवी हैं, तो मामे से एक ने पापा पे इल्जाम लगाओ है छिड़न छड़न को। अरे दादा जो तो बहुत गहरू संगीन जोरा में जो जा में हम कछु नहीं कर सकते। अब जो भी होगो कानून के मुताबिक होगो, द लॉ विल टेक, हमारा मतलब है कि जो भी होगो कानून के हिसाब से होगो, बात खत्म। अरे लेकिन दमान जी जब मैंने Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।